नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में। और इस समय हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस की फाइनल स्पर्धा, जिसमें हिस्सा ले रहे हैं राजस्थान के कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी, कर्नाटक के 1 खिलाड़ी और हरियाणा के 2 खिलाड़ी और राजस्थान के 5 खिलाड़ी इनफैक्ट इसमें शामिल हो रहे हैं, हरियाणा के 2 और कर्नाटक के 1। राजस्थान के संदीप बिश्नोई, राजस्थान के ही अमित शर्मा, राजस्थान के गिरीश गुप्ता, राजस्थान के योगेश कुमार और राजस्थान के अंशुल, कर्नाटक के जोनाथन एंटनी और हरियाणा के शिवा नरवाल और सम्राट राणा। आपको क्वालिफिकेशन की अगर हम थोड़ी सी जानकारी दें तो क्वालिफिकेशन में सबसे ज़्यादा स्कोर किया था कर्नाटक के जोनाथन एंटनी ने 587 और उसके बाद 581 का स्कोर किया है सम्राट राणा ने। सम्राट राणा आपको याद होंगे जिन्होंने मिक्स्ड टीम इवेंट में जीता था गोल्ड मेडल हरियाणा के लिए। 578 का स्कोर है योगेश कुमार राजस्थान, 576 का स्कोर है शिवा नरवाल हरियाणा के, 573 का स्कोर है राजस्थान के अंशुल का और इतना ही स्कोर किया है राजस्थान के संदीप बिश्नोई ने। और अब मुकाबला स्टार्ट। हर खिलाड़ी शुरुआत बेहतर करना चाहता है, कोशिश यही होती है कि जो तैयारी करके आए हैं उसको यहां पर डिलीवर किया जा सके। गिरीश गुप्ता ने 9.8 पे निशाना लगाया है, संदीप बिश्नोई 9.9, जोनाथन एंटनी ने थोड़ी सी कमतर शुरुआत की है 9.4 के साथ, शिवा नरवाल अंतर्राष्ट्रीय अनुभव गोल्ड मेडलिस्ट एशियन गेम्स के 10.5। लीड कर रहे हैं इस समय 10.6 के साथ अमित शर्मा। जैसे जैसे निशाने लगते जाएंगे परिस्थितियां बदलती जाएंगी। जोनाथन एंटनी ने अब 10.6 पर निशाना साधा है, अंशुल के 10.5, सम्राट राणा 10.8 और अमित शर्मा ने 10.7 पे निशाना साधा है। टक्कर बहुत होने वाली है, खासकर सम्राट, जोनाथन एंटनी, शिवा नरवाल, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं शुरुआत में जो ऐसा लग रहा है कि लीडर बोर्ड में अपना दबदबा दिखाएंगे। इस समय अमित शर्मा लीड कर रहे हैं 21.3 के साथ, सम्राट राणा 20.7, शिवा नरवाल थोड़े से पीछे हैं 20.0 पर, क्योंकि 9.5 का स्कोर उन्होंने हिट किया था। जोनाथन एंटनी थोड़े से तीसरे शॉट में पीछे हुए हैं 9.2 का स्कोर किया और गिरीश गुप्ता ने निराश किया 8.9 या 0.1777 इंच कैलिबर की एयर पिस्टल होती है ये और जिसका अधिकतम वजन 1.5 किलोग्राम हो सकता है। सेंटर ऑफ टारगेट की बात करें तो फ्लोर से 1.4 मीटर ऊपर सेंटर ऑफ टारगेट होता है। देखिए अमित शर्मा जो राजस्थान के हैं उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत की हुई है 42.1, राजस्थान के ही अंशुल अब दूसरे स्थान पर आ गए हैं 41.0, सम्राट राणा बने हुए हैं। स्कोर जैसे जैसे शॉट अभी ले रहे हैं वैसे वैसे ये परिस्थितियां बहुत जल्दी जल्दी बदलेंगी, लेकिन शिवा नरवाल थोड़ा सा अपना समय लेते हुए इस समय, और थोड़ी सी निराशा की बात यह है कि शिवा ने 7.4 का एक स्कोर किया है जो आपको काफी पीछे ले जाता है, 7.4, थोड़ी सी निराशा होगी। थोड़ी अमित शर्मा की बात कर लेते हैं जो लीडर बोर्ड पे टॉप पर चल रहे हैं, 18 साल के हैं, 5 साल से निशानेबाजी की दुनिया में हैं, 2023 में वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
और राकेश ठाकुर जो राष्ट्रीय कोच हैं उनसे सीखते हैं। पहली सीरीज जो 5 शॉट्स की हुई है उसके बाद अमित शर्मा 52.6 के स्कोर के साथ टॉप पर चल रहे हैं। लीडर बोर्ड पर अब भी अमित शर्मा लीड कर रहे हैं, लेकिन बहुत टफ फाइट है उनके और अंशुल के बीच में इस समय। तीसरा निशाना अंशुल का आया है और अंशुल ने 10.1 हिट किया है। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया है अमित शर्मा के ऊपर। अमित शर्मा का खराब तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनके स्तर के मुताबिक निशाना नहीं आया। 9.9 जोनाथन एंटनी 9.8, योगेश कुमार का 10.0। फाइट काफी बढ़ गई है यहां पर। 10.6 पर शिवा नरवाल ने क्या जबरदस्त वापसी की है इस 5 शॉट की दूसरी सीरीज में। सम्राट राणा पर नजर रखिए, थोड़ा सा दिशाहीन लग रहे हैं। 9.9 एलिमिनेशन भी शुरू होगा। जोनाथन एंटनी का चौथा निशाना लगा है दूसरी सीरीज में 10.6, और पांचवा निशाना जोनाथन एंटनी का लगा है 9.8 का। तो यानी जोनाथन ने पहले में 49.7 का स्कोर बनाया था और अब बनाया है 50.8। कुल मिलाकर पहुंच गए हैं वो 100.5 पर इस समय। देखने वाली बात होगी कहां तक जाते हैं। 5 निशाना जोनाथन एंटनी का लग चुका है और 5 निशाना अंशुल का भी लग चुका है। 10.1 का स्कोर देखना होगा कि कहां तक गए हैं वो। और अब दो शॉट पे एलिमिनेशन शुरू होने वाला है। दबाव सबसे ज्यादा है शिवा नरवाल पर। संदीप के शिवा नरवाल के 98.1 हैं और संदीप के हैं 95.4। गिरीश गुप्ता का निशाना 10.0 पर, सम्राट राणा थोड़े से पीछे 9.8। नजर रखनी होगी तीन खिलाड़ियों पर, इनफैक्ट 4 पर, योगेश, गिरीश, शिवा और संदीप। शिवा नरवाल का निशाना थोड़ा सा चूकता हुआ 9.6। और सबसे पहले एलिमिनेशन आ रहा है यहां पर। ये आखिरी शॉट है, उसके बाद एलिमिनेशन। इस समय संदीप विश्वास एलिमिनेशन की लाइन पर बने हुए हैं, लेकिन परिस्थितियां बदल सकती हैं। अमित शर्मा 9.0, सम्राट राणा 10.5, योगेश 9.7, संदीप 10.1, जोनाथन क्रिस्टी 10.3, अंशुल 10.2, शिवा नरवाल। शायद शिवा को जाना पड़ रहा है या संदीप पर नजर रखिए 10.1 है। और 12 के बाद संदीप। लीडर बोर्ड पर अंशुल इस समय गोल्ड मेडल पोजीशन पर चल रहे हैं। राजस्थान के अमित शर्मा उनको कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं 121.5 और सम्राट राणा 121.3। संदीप का सफर समाप्त हो गया है, पहला एलिमिनेशन आया है और संदीप 115 के स्कोर के साथ, संदीप बिश्नोई 115 के स्कोर के साथ वो पहले एलिमिनेशन में पहुंचे हैं। और अब दो शॉट, एक और एलिमिनेशन,
संदीप बाहर हो चुके हैं। शिवा नरवाल पर खतरा मंडरा रहा है। शिवा नरवाल जिन्होंने हांगजाऊ में संपन्न पिछले वर्ष एशियाई खेलों में 10 मीटर टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। शिवा नरवाल 10.6 इस बार अच्छी वापसी की है शिवा ने। गिरीश गुप्ता 9.4 खतरा उनके लिए भी है। इस समय एक शॉट के बाद जो लीडर बोर्ड की स्थिति बनी है, सम्राट राणा दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं सिल्वर मेडल की पोजीशन पर। शिवा नरवाल और गिरीश गुप्ता और साथ में है योगेश कुमार, इन तीन में से कोई एक बाहर जाता नजर आ रहा है। किसका निशाना इस मुकाबले में उन्हें बचा कर रखेगा? सम्राट राणा ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस 10.8, अमित शर्मा 10.0, अंशुल 10.6, सम्राट राणा ने, शिवा नरवाल ने शायद खुद को बचाया है 10.4 के साथ। योगेश कुमार के लिए खतरा बढ़ गया है। जोनाथन एंटनी 9.9, योगेश कुमार को बाहर जाना पड़ेगा। एक दिन आपका टॉप पर होता है तो दूसरे दिन आप नीचे होते हैं। योगेश 9 मेडल्स थे इनके नाम पिछले वर्ष अलग अलग स्पर्धाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आज काम नहीं कर पाए। सम्राट राणा कल के गोल्ड मेडलिस्ट इस समय गोल्ड मेडल की पोजीशन पर पहुंच गए हैं। अमित शर्मा को उन्होंने पीछे ढकेला है। इस समय दो शॉट और उसके बाद एक और खिलाड़ी बाहर जाएगा। सम्राट राणा 10.3 बढ़िया स्टार्ट, गिरीश गुप्ता ने खराब शुरुआत की है 10.6 के साथ। जोनाथन एंटनी पर नजर रखिए 10.6, अमित शर्मा 10.6, शिवा नरवाल ने भी खराब निशाना लगाया 9.9, गिरीश गुप्ता को 8.6 के स्कोर ने अब एलिमिनेशन के करीब पहुंचा दिया है। 0.6 का डिफरेंस है इस समय उनमें और शिवा नरवाल में। एक बात तो तय लग रही है कि शिवा और गिरीश गुप्ता में से ही संभवतः कोई बाहर जाएगा अगर दूसरे शूटर्स ने बहुत खराब प्रदर्शन नहीं किया तो। 9.1 गिरीश गुप्ता, शायद उनके लिए कहानी समाप्त हो गई है। सम्राट राणा 10.1, जोनाथन एंटनी 10.3, अंशुल 9.5, अंशुल ने थोड़ा सा सेटबैक किया है। शिवा नरवाल ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। गिरीश गुप्ता एलिमिनेट होने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं राजस्थान के 155.2 के साथ छठा स्थान हासिल किया है उन्होंने और अब टॉप फाइव मिल गए हैं इस प्रतियोगिता के। 16 शॉट के बाद सम्राट राणा 162.8 के साथ गोल्ड मेडल की पोजीशन पर बने हुए हैं। राजस्थान के अमित शर्मा जो लगातार लीड कर रहे थे वो 162.6 के साथ सिल्वर मेडल पर हैं और कर्नाटक के जोनाथन एंटनी जिन्होंने क्वालिफिकेशन टॉप किया था 161.9 के साथ ब्रॉन्ज मेडल की पोजीशन पर हैं। इस समय जाएंगे गिरीश गुप्ता बाहर। 66वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट थे, राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, बाहर जाना पड़ेगा उन्हें आज। छठे स्थान से संतोष करना पड़ेगा। इस समय खतरा है शिवा नरवाल पर और अंशुल बॉटम टू पर इस समय हैं, लेकिन जोनाथन एंटनी के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं। सम्राट राणा के 10.2, जोनाथन एंटनी ने कमाल का निशाना लगाया 10.7, अंशुल के 10.3, अमित शर्मा को थोड़ी निराशा होगी 10.0, शिवा नरवाल 10.4। इस समय शिवा नरवाल 3 अंकों के फासले के साथ बॉटम पर पहुंच गए हैं। हांगजाओ एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं 10 मीटर टीम इवेंट में। जोनाथन एंटनी और अमित शर्मा स्कोर के मामले में इस समय बराबरी पर हैं। ये 18वां शॉट है, एक को बाहर जाना पड़ेगा।
सम्राट राणा कमाल का प्रदर्शन, कंसिस्टेंसी 10.5, अंशुल 10.1, जोनाथन एंटनी ने निराश किया है 9.5, शिवा नरवाल 9.6, कहानी साफ है। और 8.9 अमित शर्मा, एक सौ 78.6 के साथ शिवा नरवाल बाहर जाएंगे, एक बड़ा उलट फिर कह सकते हैं हांगझाउ एशियाई खेलों के 10 मीटर टीम इवेंट के गोल्ड मेडलिस्ट, यहां पर पांचवें स्थान से ही उन्हें संतोष करना पड़ेगा। शुरुआत अच्छी नहीं रही और शुरुआत के बाद वो पिक नहीं कर सके, ऐसा लगा था कि अगर लगातार कंसिस्टेंसी में 10.5 से ज़्यादा शॉट खेल रहे होते तो जीत सकते थे, लेकिन यहाँ पर निराशा हुई। 2023 बाकू में वर्ल्ड चैम्पियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं शिवा नरवाल, खेलो इंडिया गेम्स में 3 पदक उनके नाम थे, लेकिन आज बाहर, निराशा। अब इस कंपटीशन को मिल गए हैं टॉप 4, सम्राट राणा गोल्ड मेडल की पोजीशन पर हैं, ब्रॉन्ज मेडल पदक विजेता तय हो जाएंगे अगले 2 शॉट के बाद। खतरा है अमित शर्मा पर, अमित जो लंबे समय तक लीड कर रहे थे। अमित शर्मा, अंशुल का भी खराब प्रदर्शन 9.6, सम्राट राणा 9.6, थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा जोनाथन को। जोनाथन इस 19वें शॉट के बाद पहुंच गए हैं सिल्वर मेडल की पोजीशन पर, क्वालिफिकेशन में टॉप पर थे। खतरा मंडरा रहा है इस समय अमित शर्मा के ऊपर। अमित शर्मा लंबे समय तक गोल्ड मेडल की पोजीशन पर थे, लेकिन पिछले कुछ समय से निराश किया है। अंशुल इस समय ब्रॉन्ज मेडल पर हैं, सम्राट गोल्ड पर कायम। सम्राट राणा का सबसे खराब शॉट आया है अमित शर्मा, 10.2। अंशुल, जोनाथन के पास मौका है गोल्ड मेडल पर जाने का इस समय 9.7, निराश किया। यहां पर कहानी बदली है और बाहर जाना पड़ेगा राजस्थान के अमित शर्मा को। मेडल कंफर्म होते हुए यहां पर अंशुल, सम्राट राणा और जोनाथन पदक विजेता बने हैं। पदक का रंग क्या होगा यह आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अमित शर्मा जो लंबे समय तक लीड कर रहे थे उनको चौथे स्थान से ही संतोष करना पड़ेगा। कमाल का प्रदर्शन जोनाथन एंटनी का आया है बिल्कुल सही टाइम पर, 10.5 अंशुल का और सम्राट राणा का 10.4, बहुत मार्जिनल डिफरेंस है 0.1 का ब्रॉन्ज और सिल्वर में और 0.2 का सिल्वर और गोल्ड में, लेकिन एक खिलाड़ी को यहां से ब्रॉन्ज लेकर ही संतोष करना पड़ेगा। सम्राट राणा 10 मीटर मिक्स्ड टीम के गोल्ड मेडलिस्ट, जोनाथन एंटनी क्वालिफिकेशन के टॉप खिलाड़ी, क्या बात बनती है। सम्राट का 10.5 बढ़िया निशाना लगा है, 10.0 और अंशुल को बाहर जाना पड़ेगा यहां पर 8.8। ब्रॉन्ज मेडल मिलता हुआ यहां अंशुल को 221.3 के साथ, सबसे खराब निशाना उनको यहां पर लगा है 8.8, बहुत निराश होंगे। अगर 10.0 के आसपास आते तो जरूर बात बन सकती थी। अंशुल 66वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज, 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के 1 सिल्वर जीता था, CBSE नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 1 गोल्ड, स्टेट के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जयपुर OPC शूटिंग एकेडमी में ट्रेन करते हैं और ओम प्रकाश इनके कोच हैं। अब बारी है गोल्ड और सिल्वर की, सम्राट राणा गोल्ड की पोजीशन पर हैं, 0.2 अंक का डिफरेंस है सम्राट और जोनाथन एंटनी के बीच, कौन बनेगा चैंपियन।
अगले दो शॉट ये तय कर देंगे। यहां पर बढ़त लेनी चाहिए थी जोनाथन एंटनी को। अब गोल्ड मेडल जाता नजर आ रहा है सम्राट की तरफ। अगर गलती नहीं की सम्राट ने तो शायद सम्राट डबल गोल्ड जीत जाएंगे यहां पर। 10 मीटर मिक्स टीम का गोल्ड उनके नाम है ऑलरेडी। ये अंतिम निशाना है और यहां पर तय होगा स्वर्ण पदक जोनाथन और सम्राट, एक हरियाणा के एक कर्नाटक के। और 10.0 सम्राट राणा ने जीत लिया है गोल्ड मेडल 242.8 के टोटल स्कोर के साथ और 241.8 के स्कोर के साथ 14 वर्ष के सबसे युवा जोनाथन एंटनी बने हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट। क्या गजब का प्रदर्शन रहा है सम्राट का, 242.8 गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज और 241.8 थैंक यू कांग्रेचुलेशंस मीडिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में 10 मीटर एयर पिस्टल लड़कों की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है हरियाणा के सम्राट राणा ने। कल यानी 10 मीटर मिक्स टीम इवेंट में भी उन्होंने गोल्ड जीता था, दोहरी कामयाबी है उनके लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सम्राट, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। मिक्स टीम इवेंट के बाद बहुत क्लोज फाइट था ये लड़कों का जो इंडिविजुअल इवेंट है, और लास्ट शॉट में डिसाइड होना था गोल्ड मेडल किसके पास जाएगा, क्या चल रहा था आपके जहन में? सर स्टार्टिंग से ही मतलब काफ़ी टफ कंपटीशन था और मतलब लीड बिल्कुल भी बन नहीं पा रही थी, तो बस लास्ट शॉट में तो यही था अपना, मतलब इतना प्रेशर नहीं लेना था, अपना जो प्रोसेस है उसको ही फॉलो करा और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं। दो इवेंट दो गोल्ड मेडल आप जीत चुके हैं, आगे और क्या स्ट्रेटजी है? फरवरी में ट्रायल्स हैं इंडियन टीम के, तो उधर देखना है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं तो उनके लिए भी प्रैक्टिस करनी है अभी। एंड नाउ वी हैव विद अस 14 ईयर वंडर बॉय फ्रॉम कर्नाटका जोनाथन एंटनी हु लीड द क्वालिफिकेशन स्टेज बट इवेंचुअली वेरी लिटिल मार्जिन ही ग्रैब द सिल्वर मेडल। जोनाथन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।
एंड व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड व्हेन द लास्ट शॉट यू हैड चांस टू बिकम अ गोल्ड मेडलिस्ट? आई शुड नेवर गिव अप, आई शुड कीप गोइंग. माय लास्ट थॉट वाज इट्स ओके, डू योर शॉट. एंड टेल अस अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर दिस इवेंट. Preparation, I started like holdings and all. Then after that, I went in. Then I started. I was little nervous at first time. Then after going in, I got little josh and I started. And my last shot, I was very nervous actually at last shot. So I just gave it off. And what is your future planning in the field of shooting? My future plan is to become an Olympian shooter. And गेट इंडिया फॉर गोल्ड मेडल. तो ये थे जोनाथन जो बता रहे थे कि भविष्य में ओलंपिक खेलना चाहते हैं, लेकिन आज इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया.